महिलाओं का प्रतिनिधित्व राजनीति में उनकी आबादी के हिसाब से होना चाहिए और समाजवादी पार्टी इसकी पक्षधर है। और जहां तक महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात है, जो हर पार्टी आज महिलाओं के भागीदारी की बात कर रही है, जो पूर्ण बहुमत की उनकी सरकारें आती हैं तो कहीं ना कहीं महिलाओं के मुद्दों को नज़रअंदाज करती हैं। तो शायद यही वजह है कि आज पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी आज जिस तरह से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, आज जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में कम हो रही है, उनकी आवाज़ों को दबाने का काम किया जा रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है और एक विडंबना है कि हम उनकी राजनीतिक भागीदारी की बात जरूर करते हैं लेकिन उनके हक और अधिकार देने की जब बात आती है तो हम उन्हें नज़रअंदाज करते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात बताऊं, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात बताना चाहूंगी कि जिस तरह से पंचायती राज चुनाव में जो महिलाएं चुनाव लड़ी, किस तरह से उनके साथ अभद्रता हुई और किस तरह से उनको उन पे बंदिशें लगा के उनको हराने का या फिर उनके साथ धोखाधड़ी करके उनको उनके उचित स्थान पे पहुंचने नहीं दिया गया, यही भारतीय जनता पार्टी जो पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो हमको देखिए ये देखना होगा कि महिलाओं की आवाज़ों को दबाने वाली जो पार्टियां आज सरकारें जिनकी हैं उनको किस तरह से जनता जवाब दे। और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी, चूंकि हम लोहिया जी को मानने वाले लोग हैं और लोहिया जी ने हमेशा से महिला और पुरुष की समानता की बात की और उन्हीं के उसूलों पर आज समाजवादी पार्टी चल रही है, लगातार संघर्ष कर रही है और महिलाओं को केंद्र बिंदु रख के हमेशा से नीति और नियत समाजवादी पार्टी की साफ है और समाजवादी पार्टी ने हमेशा से ही महिलाओं का सम्मान और हक अधिकार देने की बात कही है। ये तो हर पार्टी का अपना एजेंडा होती है, उनकी रणनीति होती है, स्ट्रैटेजी की, वो कितना परसेंट टिकट किस को देंगे, किस जाति वर्ग धर्म या फिर महिलाओं को देंगे। और ये बात आज नहीं होनी चाहिए थी, ये बात मुझे लगता है और पहले भी कर सकती थी कोई भी पार्टी कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व आप कितना दे रहे हैं। आज जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, देखिए जिस तरह से आवेदन समाजवादी पार्टी में हुए हैं, अगर आप आंकड़े उठा के देख लीजिए तो शायद इस प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर महिलाओं ने किसी पार्टी के माध्यम से आवेदन किया है विधानसभा के टिकट के लिए तो वो समाजवादी पार्टी ही है। और आने वाले समय में जब टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि किस पार्टी ने महिलाओं को कितने टिकट दिए हैं। तो सिर्फ हम लोग देखिए हवा में बात या वादे करने वाले लोग नहीं है, धरातल में महिलाओं को सम्मान देकर, उनको प्रतिनिधित्व देकर, उनकी आवाज को बुलंद करने वाले लोग। बहुत ही अच्छी बात है, उन्होंने महिलाओं की बात बहुत देर से की, जो काम उनको पहले करना चाहिए था उन्होंने अब किया। ये सिर्फ चुनावी का टाइम है, चुनाव का ये सिर्फ शगुफा है और महिलाओं को लेकर आए दिन घटना घटित हो रही थी। तब प्रियंका गांधी को सवाल नहीं आया कि महिलाओं के साथ इतनी सारी दुर्दशा कैसे हो रही। कहीं ना कहीं ये कांग्रेस का 70 साल से जो बना था राजनीति दल, उसमें उन्होंने महिलाओं की बात क्यों नहीं की। और आम आदमी पार्टी तो पहले से ही महिलाओं के साथ थी, दिल्ली में हम लोग महिलाओं के लिए जो भी काम कर रहे हैं उसी बेस मॉडल को लेकर हम उत्तर प्रदेश में भी काम करेंगे। और अन्य पार्टियों को आम आदमी पार्टी से अब खतरा हो गया है तो अपना अपना एक एजेंडा रख रहे हैं। ये तो जनता तय करेगी कि इस बार किसकी सरकार आएगी और किसका क्या, क्योंकि जनता तो इस बार सारे लोगों सारी पार्टियों को देखा है उन्होंने। और आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में राजनीति की जो बात कर रही है वो मुद्दे की राजनीति है, जाति धर्म से लोग अब जनता समझ चुकी है। क्योंकि आम आदमी पार्टी किसी जाति धर्म की तो बात करती नहीं है, उसने महिलाओं की सशक्तिकरण पर बात किया है और हमेशा हम लोगों ने महिलाओं के मुद्दे को हमेशा उजागर करने के लिए महिला सशक्तिकरण पे हमेशा बात की है। और जो अभी उत्तर प्रदेश की जो पिछले 70 सालों से जाति धर्म की जो राजनीति करते आए हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही हाथ है। और अब उनको महिला की याद आई है, बहुत जल्दी आई है, सिर्फ चुनावी शगुफा है और कुछ नहीं है। और ये जनता तय करेगी कि कौन जीत के आएगा कौन हार के।